गई थी, वह चोच ने दूसरा शादी करके लाए और वह पहला रानी को जो तो चोचनी का दो बच्चा था, वह बच्चा को मैंने अपनी आंख से देख रहा हूँ। बहुत नाजायज बात है, वह सगाई उनके साथ किया, मैंने अपने आंख से देख रहा हूँ नाथ, मैं अपने आंख से देख रहा हूँ। हे स्वामी जी, नहीं घबराओ, उठो। हे स्वामी जी, अब मेरा मन इस दुनिया में, मुझे मालूम हो रहा है मैं इस दुनिया में नहीं हूँ नाथ। हे स्वामी जी, मैं आपसे यह बात मैं कहने के लिए चाह रही हूँ। अगर हे स्वामी जी, अगर कहीं मैं दो रोज चार रोज साल के अंदर में अगर मैं इस दुनिया के छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा नाथ, दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। किसी हो सकता है, उठो महारानी। मेरे पास भी तो बच्चा है स्वामी, इसलिए मुझे करना काम नहीं कर रहा है स्वामी। ये नहीं हो सकता, मैं पूरा सोच का भी तो बच्चा और मेरे भी पास दो बच्चा स्वामी जी। पंछियों की बात को तुम नहीं छोड़ो, मैं जानवर है, मैं मानव हूँ, संसार में ही शास्त्र बता रहा कि एक ही नारी सकल महतारी, संसार में मानव को एक ही नारी होता है। जितने भी हमारी माता बहन है वे देवी का तुलना में है, इसलिए के शास्त्र प्रमाण करता है कि एक ही नारी सकल महतारी, संसार में जितना भी एक माँ है बहन है देवी है, इसलिए कभी घबराओ नहीं महारानी, मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। क्योंकि स्वामी जी, वह सोच भी वह बच्चा को 9 महीना गर्भ में रखा, स्वामी जी मैं भी अपना बच्चा को 9 महीना गर्भ में रखा हूँ। आए है 9 महीने, आए Oh,
मुझे बुला रहा है परमात्मा कृष्ण की आप सोचती है तो आपको बुला रहे हैं। अब मेरा इस दुनिया से टिकट कट चुका है नाथ, अब मैं इस दुनिया में नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी नाथ, मैं नहीं बच पाऊंगी। धीरज रखो महारानी, पुत्र जो होते हैं माँ से प्यार होता है और पुत्र से पिता क्रोधित होता है महारानी। मैं कह रहा हूँ मुझे रथ लेकर बहुत देखिए खड़ा है, मुझे इशारा कर रहा है रथ वाले, हे रानी तुम जल्दी आओ। आए बुला रहा है। कैसे तू मुझे छोड़कर चली गई मंत्री जी? हाँ साहब, होता हम आके भला डाल डाल बैठ करने वाले हो,
पुत्र को बुलाकर के लियो महाराज माफ की